शुरुआत थी उस दिन अमित शाह साहब आए थे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, यहाँ पर कार्यकर्ताओं में किस तरीके से जोश भरेंगे? देखिए, राजस्थान गौरव यात्रा जो शुरू हुई है और उसमें हमारे अमित शाह जी थे, और जिस हिसाब से हमारे उदयपुर से 4 बजे से शुरू हुई और आज समापन है जिसमें प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, पूरे राजस्थान गौरव यात्रा में हमारे मुख्यमंत्री जी वसुंधरा राजे जी का जो जहाँ पर भव्य स्वागत हुआ जगह जगह पे, अपार संख्या में जो हर सभा में आप देख सकते हैं कि किस तरह जोश था कार्यकर्ताओं में, आम जन में, जो आज भी जो हैं वो लाखों की संख्या में यहाँ पर मौजूद होंगे। और राजस्थान गौरव यात्रा जो निकालने का साहस वही कर सकता है, गौरव यात्रा जिन्होंने पिछले 5 साल में काम किया है, हमारी मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान में जो एक अपने आप में विकास का कीर्तिमान स्थापित किया है, हर सेक्टर को अगर आप ले लीजिए तो आपको विकास दिखेगा। और मैं कहता हूं कि विकास को जानने के लिए सबसे पहले ये देखिए कि पूर्व सरकार जो गहलोत सरकार थी उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में कितना पैसा जो विकास के लिए खर्च किया और अभी जो कितना पैसा विकास के लिए खर्च हुआ, ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात, उस समय हमारे मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और सोनिया बहन की सरकार थी केंद्र में, तब उस समय अशोक गहलोत जी यहाँ मुख्यमंत्री थे, वो कड़ी से कड़ी मिली हुई थी, लेकिन राजस्थान को फंड नहीं मिला था, राजस्थान को इतना पैसा नहीं मिला था जितना कि हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने हमारे मुख्यमंत्री जी को दिया। और यही कारण है, चाहे रोड के मामले में देख लीजिए, चाहे किसी मामले में देख लीजिए, पीने के पानी के मामले में देख लीजिए, नहीं के मामले में देख लीजिए, आप बिजली के मामले में बता दूं, राजस्थान एक जिस हिसाब से राजस्थान की हालत जब मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी ने हाथ में अपनी कमान संभाली 2013 में, उस समय राजस्थान जो है बहुत पिछड़ा छोड़ के गए थे वो, और 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा जो है एक ऋण था और 86,000 करोड़ तो बिजली कंपनियों पे था। अब आप सोच के देख लीजिए, 2 साल तो वसुंधरा जी को उस चीज़ को ठीक करने में लग गया। एक और बात यहाँ पर है, यहाँ पर क्या आप नहीं मानते कि एंटी इनकम्बेंसी जैसी जो चीज़ है वो थोड़ा सा परेशान कर सकती है चुनाव में, क्योंकि कोई भी सरकार होती है तो उसके खिलाफ थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी तो होती है? देखिए, उसका एंटी इनकम्बेंसी का आधार होना चाहिए, अगर कोई आधार नहीं है तो ये सिर्फ फेंकी हुई बातें हैं। और आम जन ये देखता है एंटी इनकम्बेंसी के पहले ये सोचता कि विकास हुआ या नहीं हुआ, अब जब विकास अगर हुआ है तो एंटी इनकम्बेंसी तब होती है जब विकास नहीं होता है, अगर विकास जब होता है तो एंटी इनकम्बेंसी सवाल ही नहीं आने का, ये जो है ऊपर ऊपर की तरह चल रही है और धरातल पर नहीं देखा। मैंने जो करीब 400 से ज़्यादा ग्राम पंचायतें मेरे क्षेत्र में मैं घूम करके आया हूँ, पिछले 4 महीने से घूम रहा हूँ, मैंने कोई एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज़ नहीं देखी। ये कहीं ऊपर के कुछ लोगों के लिए जो राजनीतिक से जुड़े हुए हैं उन लोगों की ये बातें चलाई हुई, लेकिन आम मतदाता के दिमाग में ये नहीं है, उसको पता है कि लाभार्थी अगर हम पूरे देश में देखें, जब हमारे मोदी जी ने जब हमारी सीटें जब आई, हमारे सीटें जब 282 सीटें लोकसभा में आई और 163 सीटें हमारे राजस्थान में आई, तो उस समय हमें जो केंद्र में पूरे देश में हमें वोट मिले थे 13 करोड़, और हमारे 282 सीटें आई और 163 सीटें ही आई, और अभी हमारे लाभार्थी जो हैं वो 22 करोड़ हैं। तो आप सोच के देखिए जो इनकी सोच है, जैसे अपन उत्तर प्रदेश में भी उस समय सोच रहे थे कि नोटबंदी वगैरह का सारा असर सोच रहे थे, भाजपा तीसरे नंबर पर रहेगी, बड़े बड़े राजनीतिक पंडित जो थे उनके जो सारे के सारे उनके वो फेल हो गए उनके आंकड़े, तो उसमें आप देखें 400 में से 325 सीटें भाजपा को मिली, सारे चौंकाने वाले। तो ऐसा कैसा राजस्थान में भी अपनी बार चौंकाने वाले आपके पास में रिजल्ट मिलेगा। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात बताई कि 180 सीटें हम लाएंगे, 180 सीटें 200 में हम लाएंगे, तो ये बात है। खास तौर पर पीपी चौधरी साहब केंद्रीय मंत्री, इन्होंने कहा है कि वही चौंकाने वाली बात सामने आएगी, सारे राजनीतिक पंडित धरे रह जाएंगे जो उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऐश्वर्या,